नमस्ते बच्चों, हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट पढ़ेंगे 3। तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो भी निकाल सकते हैं और साथ में अपनी रफ नोटबुक भी निकाल के रखेंगे, तो जिससे कि मैं मौखिक में बोलूंगी तो मेरे साथ साथ में आपको लिखना है। मैं आज आपको जो आपका अपनी वस्तु चैप्टर है, पार्ट है, उसका मैं आपको आज कुछ शब्दार्थ करवाऊंगी। तो आप वो शब्दार्थ मेरे साथ मुझे अपनी बुक में लिख सकते हैं, उन शब्दों को ढूंढेंगे कहाँ पर है, या फिर अपने रफ नोटबुक में लिख सकते हैं, बाद में भी ढूंढ सकते हैं आप। तो ये वक्त आपको अपनी कॉपी में भी करना है, इतना करना है आपको ये काम, ठीक है? ये आप अच्छी राइटिंग में करोगे, और पेंसिल भी अपने साथ में रखो और अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में रखो। तो जहां जहां वो शब्द आपको मिले उस शब्द को आप नीचे रेखांकित करो, और उस शब्द के ऊपर आपको क्या लिखना है, उस शब्द का अर्थ। ओके, तो हम अब इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। अपनी वस्तु आप लोगों ने निकाल ली होगी अपनी पाठ्य पुस्तक, इसकी हम करेंगे शब्दार्थ। शब्द के अर्थ, तो दो पाठ आपके मैंने करवा दिए हैं, तो वो दोनों ही आपकी कॉपी में पूरे हो चुके होंगे, फर्स्ट और सेकंड। उसके सारे गद्यांश भी करा दिए, सारी एक्सरसाइजेस भी करवा दी है, तो वो दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। तो पहला शब्द है आपका, इसमें आप मेरे लिखने के साथ में उसको ढूंढते जाओ कहाँ पर मिल रहा है आपको। महात्मा, मैं बोल भी रही हूँ साथ में, तो आप मेरे बोलने के साथ में भी जैसे बोर्ड से देख के भी ढूंढ सकते हो। महात्मा मिल गया सबको शब्द, उसके आगे लिखो क्या बोलते हैं महात्मा का शब्द क्या होगा, साधु। साधु, साधु भी बोल सकते हैं और संत भी बोल सकते हैं। सेकंड, ये लिखते जाओ साथ में, आप साधु को रेखांकित करो, उसके ऊपर आपको लिखना है साधु। ऊंची, जोर से, मिल गया सबको। आवाज, ये आपके इसमें मैच द फॉलोइंग में आता है, इन शब्दों को इन शब्दों के अर्थों से मिलान करो, ठीक है? तो वो आपके शब्दार्थ में से ही आता है, ये आपके एग्जाम में भी आता है इसको। तो आपको ये जितने भी पाठ के जितने भी शब्दार्थ आ रहे हैं, तो उनका सबका आपको अर्थ आना चाहिए। ये नहीं कि पाठ के जो पीछे दिए हुए ना 5-7 शब्दार्थ वही आप करें, आपको पूरा पाठ के अंदर जितने भी शब्दार्थ हैं उसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपके सारे शब्दार्थ आपको आने चाहिए। आवाज, ध्वनि, इसमें आपको ये भी दे सकते हैं कि ध्वनि का अर्थ, तो ध्वनि जहाँ पे 5 दे देंगे आपको, जैसे महात्मा, ऊंची, दो और लिख दिए, इनको ऊपर नीचे लिख दिया है, तो आप जैसे करते ना मैच द फॉलोइंग, वैसे आपको एक शब्द को दूसरे सही शब्दों के साथ में मिलान करना है। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज आएगी। फोर्थ नंबर, उदयन, तैयार। तो आप जब ये उच्चारण इसका तो करते हो तो सही करोगे, तो आप सही ही लिखोगे, तैयार ऐसे करना है आपको इसका उच्चारण, तो आप सही लिखोगे। स्थान, स्थान जगह है, प्राण, प्राण का जान भी सुनते, आपको सबको पता है इतना, भूमि, जमीन, व्यक्ति, आदमी, स्वामित्व। स्वामित्व आपको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड शब्द में भी है, कठिन शब्द में भी है आपका स्वामित्व। स्वामित्व अधिकार,
प्रीते स्वामी, तो उसमें क्या आएगी बड़ी की मात्रा, स्वामी मालिक। आपको जो शब्दार्थ नहीं मिल रहे हैं वो आप बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन जितने आपको मिलते जा रहे हैं वो आपको सारे अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखने हैं। क्रोध, गुस्सा, पक्ष, तरफ, क्या आप किस पक्ष की साइड है ऐसे बोलते ना, तो किसकी तरफ हो आप, क्रोध गुस्सा तो आप कर लोगे, दलीलें, लिखवा देती हूँ क्रोध गुस्सा भी तो आप लोग भूल जाओगे। क्रोध गुस्सा लाल पीला होना, क्रोधित होना, ये एक मुहावरा है, ये आपको यहाँ पे बात नहीं करवा देंगे। लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, ये मुहावरा तो मुहावरे के अंदर आ जाएगा। यही लिखवा दी मैंने, स्वभाव आदत, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, सदैव हमेशा, सदैव हमेशा, व्यर्थ बेकार, अतएव इसलिए, आपके 15 हो चुके हैं, और लिखाऊंगी इसमें आपको। निकट पास, सज्जन, सज्जन खुशी, दलील, तर्क हो ही चुका हमने करवा दिया आपको मैंने, निर्णय, फैसला, फैसला, निर्णय, फैसला, फरमाया, ये उर्दू शब्द भी है, फरमाया, दलीलें, ये क्या है उर्दू शब्द है आपकी, फरमाया मानी कहा,
माया कहा। उतारू तैयार, उदयत भी तैयार होता है और उतारू भी क्या होता है, तैयार या उतावली। उतारू तैयार, स्वामी मालिक को ही आते हैं अभी। ताकना लगातार देखना, मान्य स्वीकार, मान्य स्वीकार। ये इतने आपके शब्दार्थ जो आपने अपनी इसमें लिख लिए होंगे। राजी तैयार, प्रयत्न डटकर, मस्तिष्क दिमाग जोरों डटकर, पेट भरकर, देखो यहाँ पे डटकर आपकी जो ये पाठ है अपनी वस्तु, तो इसमें डटकर खाना खाया तो डटकर यहाँ पे पेट भरने से है, और डटकर मुकाबला किया तो वहां पर होता है लड़ाई के लिए, कि वो बिना हारे उन्होंने बिना हुए वो डटकर मुकाबला करते रहे, तो यहाँ पर पेट भरकर के लिए आ रहे हैं। राखी तैयार, देखो तीन शब्द आ रहे हैं इसमें, देखो उद्यतवानी तैयार होता है, उतारूवानी भी तैयार होता है, राजीवानी भी तैयार होता है। राजी तैयार, मस्तिष्क आदेश आज्ञा, आदेश आज्ञा, ठिकाने आपके सारे शब्दार्थ आ चुके हैं इसमें, ऐसा मेरे साथ कोई भी नहीं बच रहा है जो कि बच्चा हो। विनय निवेदन, विनय निवेदन, उद्देश्य लक्ष्य, उद्देश्य लक्ष्य, स्वतंत्र या कर चुकना, तो मैंने आपको ये 30 करवाए हैं, तो ये 30 के 30 आपकी कॉपी में भी पूरे होने चाहिए, ठीक है, इनमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और ये सारे के सारे आपकी किताब में भी लिखने चाहिए आपको, ठीक है। ये वर्क आप अच्छे से करोगे बिना मिस्टेक के, और न्यू चैप्टर कैसे स्टार्ट करते हैं आपको पता है। धन्यवाद।